अजमेर उत्तर से 5 बार के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने जन्मदिन पर गरीबों और बेसहारा लोगों को कंबल का वितरण किया। इस दौरान देवनानी देर रात शहर के अलग अलग स्थानों पर पहुंचे और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित करते नजर आए। साथ ही जन्मदिन के दिन विधायक कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। गौशाला का दौरा कर गायों को चारा खिलाने और अनाथ बच्चों के साथ भजन भी करेंगे। इस दौरान शहर के बीजेपी कार्यकर्ता उनका जन्मदिन हर्षोल्लास से मना रहे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर अजमेर में 100 अरब हस्तलिखित श्री राम राम महामंत्र परिक्रमा महोत्सव का आयोजन 14 जनवरी मकर संक्रांति से होगा। आजाद पार्क में सजी अयोध्या नगरी में ये 9 दिवसीय महोत्सव 22 जनवरी तक चलेगा। रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक परिक्रमा के साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम संयोजक कंवल प्रकाश कृष्णानी का कहना है कि 12 जनवरी को सुबह 10 बजे परिक्रमा स्थल पर संत महात्माओं के साथ आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में भूमि पूजन होगा और धर्म ध्वजा की स्थापना की जाएगी। इसे लेकर अलग अलग संस्थाओं के पदाधिकारियों की ओर से कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया गया और विभिन्न व्यवस्थाएं भी की गई हैं। 14 जनवरी को सुबह 11:30 बजे उद्घाटन होगा। इसमें जगत गुरु श्री जी महाराज पीठाधीश्वर निम्बार्क पीठ और परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर प्रज्ञा पीठाधीश्वर स्वामी ज्ञानानंद गिरी महाराज श्री शक्ति पीठ जयपुर से वक्ता साध्वी समदर्शी का आशीर्वचन प्राप्त होगा। यह आयोजन श्री राम नाम परिक्रमा समारोह समिति अजय मेरू श्री राम नाम धन संग्रह बैंक विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में होगा। अजमेर में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये भव्य आयोजन है अयोध्या में जो रामलला की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम उपस्थित होने वाला है उसी उपलक्ष्य में अजमेर में 100 अरब हस्तलिखित राम नाम परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। 14 तारीख को प्रारंभ होगा। 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक नियमित रोजाना यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।